आज मैं हेल्थ गाइड में आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें टीन एज के लोगों को लेनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। आजकल आप सब जानते हैं कि आजकल के टीन एज के बच्चे जितने भी हैं वो किस तरह की चीज़ों को खाने की पसंद करते हैं। उनको खाने में चाहिए बर्गर, पिज़्ज़ा और तली हुई चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें, और साथ में चाहिए उनको कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई सॉफ्ट ड्रिंक या फिर अल्कोहल। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदेह हैं, जो कि उनको शायद नहीं पता है। और वो आजकल के लाइफस्टाइल या इस तरह की माहौल बना रखा है कि कहीं भी जाते हैं तो पार्टी है तो पिज़्ज़ा खाएंगे या बर्गर खाएंगे या खाने की ही पार्टी करते हैं। इस वजह से काफ़ी चाइल्ड आजकल ओबेसिटी के शिकार भी हो रहे हैं। तो इन लोगों के लिए, ऐसे लाइफस्टाइल वाले लोगों के लिए मैं जो सजेशन दूंगा वो ये है कि वो खाने में अपना जो है बाहर की चीज़ें कम करें। कोल्ड ड्रिंक की जगह आप आइस टी ले लीजिए या फिर आप लेमन वाटर ले लीजिए या कोल्ड कॉफ़ी ले लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा कि कोल्ड ड्रिंक पीने से, और आपकी प्यास भी जाएगी और आप अच्छा फील भी करेंगे। बर्गर पिज़्ज़ा की जगह आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड सैंडविच ले सकते हैं, बाहर में ये भी अवेलेबल है। कोई भी हेल्दी चीज़ ऑप्शन चुने, जैसे रोस्टेड हो या फिर अगर कुछ भी खाते हैं तो रोस्टेड फॉर्म में लें। इस एज में बच्चों को जो खाना चाहिए वो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको विटामिन मिनरल्स वाली चीज़ें खानी चाहिए, जैसे साग सब्जी है, फ्रूट्स है। ज़्यादातर आजकल के बच्चे जो है साग सब्जियाँ नहीं खाते। मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो ज़रूर एक मील अपना साग सब्जी ज़रूर खाएँ साथ में, और फ्रूट्स तो बिल्कुल इंक्लूड करें अपने डाइट्स में। फ्रूट्स भी खाएं, साग सब्जी खाएं, और कभी कभी आप अपने खाने में दलिया भी यूज़ करें, क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी होता है और फ़ायदेमंद भी होता है। स्टमक भी क्लियर होगा और आपको एनर्जी भी मिलेगा।